अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नादियस कुजीन में आपको मज़ेदार मंचूरियन बनाना सिखाया जाएगा। और मंचूरियन बनाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मंचूरियन का चिकन होता है, कोटिंग करके, फ्राई करके उसको कैसे फ्रीज करना है। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, उसकी सॉस बनाएं और मंचूरियन बना लें। ठीक है, अब चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लीजिए। बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। आपको बर्थ में भी है, आपके इसके इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी आपको सूट करता है, घर में आप ज़रूर बनाइएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, 5 अंडे डाले थे हमने इसमें। अब हम एंड पे डालेंगे मैदा। ठीक है, मैदा अभी भी डालेंगे और फ्राई करने से पहले भी डालेंगे। मैदा डाल के मिक्स करके हम इसको अब मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। अब मैरिनेट करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा दोबारा। फ्राई करने से पहले 5 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे दोबारा। ये वक्त पे डालना है आपने, ताकि कोटिंग अच्छी हो मंचूरियन के जो बोटियां हैं उनके ऊपर। आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करते जाया करें और यकीनन इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बनेंगी आपकी। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। ये देखें, थोड़ा सा मैदा हमने और डाल दिया। सब उस दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। अच्छी तरह मिक्स करना ताकि कोटिंग अच्छी तरह हो जाए। एक और टिप मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि कोटिंग इनके ऊपर से, बोटियों के ऊपर से ना उतरे, तो आप प्लीज़ इनको चम्मच ना चलाइएगा इसमें। कम से कम 3 से 4 मिनट तक चम्मच नहीं चलाना। ऐसे ही हिलाते रहें फ्राइंग पैन में।
ये अब हम फ्रीज कर देंगे। ये हम गार्लिक क्लोव्स को कट कर लेंगे सॉस बनाने के लिए। और अब आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए सॉस बनाने के लिए। तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं ये, शिमला मिर्च और टमाटर भी ले लिए, कट कर लिए स्क्वायर में, और ये प्याज भी। ये सॉसेज हैं, चिली सॉस और गार्लिक सॉस। अब सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। अब ध्यान से इंग्रेडिएंट्स नोट करते रहिएगा। ये चिली सॉस है, पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसकी दोबारा रेसिपी। ये देखें, चिली सॉस ऑयल में डाली है, शवरमा रेसिपी में भी मैंने आपको बताई थी इस सॉस की रेसिपी। अब गार्लिक क्लोव भी डाल दिया है हमने। ये सिरका, सोया सॉस, ये क्यूब्स हैं, चिकन क्यूब्स हैं, दो अदर चिकन क्यूब्स डालेंगे। चाइनीज़ में डलती हैं ये, इसी से टेस्ट बनता है अच्छा, ज़रूर डाला करें। अब ये हम पानी डाल देंगे सॉस में। मैंने तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है। अब डिफ्रॉस्ट कर लिया है हमने, ये फ्रीज हो गई थी, चिकन जो है फ्रीज हो गया था, इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया मंचूरियन के लिए। अब हम इसको भी हल्का से ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल डाल दिया, अब हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, बिल्कुल ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला है। ये देखिए तो पहले ही फ्राई हुई हुई है ये। अब हम इसमें मंचूरियन जो सॉस बनाई थी हमने, मंचूरियन सॉस वो डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स करके। ये हमने सॉस डाल दी, सॉस अच्छी तरह सारी सॉस डाल देंगे जितनी भी हमने बनाई थी। अब इसमें 5 कतरे हम फूड कलर के डाल देंगे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें, कलर अच्छा आता है वैसे इससे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कलर्स को डाल के। ये देखें हमारा तकरीबन मंचूरियन रेडी है। अब हमने शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल दिए, स्क्वायर कटिंग में करना है हमने इनको, इसकी स्क्वायर कटिंग करनी है, और टमाटर के बीज नहीं डालने, बीज आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखें अब हम प्याज भी डाल देंगे इसमें, वो भी स्क्वायर कटिंग करनी है, अनियन की भी। बस प्याज डाल के अब सबसे एंड पे हम आखिर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 5 टेबलस्पून पानी में भर के डाल देंगे, 5 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आप थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो बेशक आप और कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए मंचूरियन तकरीबन आपका रेडी है, ये देखें ग्रेवी कितनी सही ग्रेवी बन गई। अब आप डिश आउट कर लें, राइस के साथ मंचूरियन खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, मज़ेदार मंचूरियन। ये देखें नादियास कुजीन स्पेशल मंचूरियन रेडी है, बच्चे भी शौक से खाएंगे, मेहमानों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, मज़ेदार मंचूरियन।